हरियाणा चलते हैं, वहां पर अनिल अंजिल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंजिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंजिल जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास एनएचपीसी के शेयर हैं 9330 के, 5000 शेयर्स हैं, और सुजलोन के शेयर्स हैं 10,050 रुपीस के हिसाब से। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, होल्ड करूं इनको या कैसे? तो अंजिल जी, ये जो खरीदारी आपने की थी, ये क्या सोचे खरीदारी की थी जब इतनी बढ़िया तेजी स्टॉक्स में चल रही थी? तो सर एनएचपीसी जब मैंने खरीदा था 9330 पे, तब 3 महीने पहले खरीदा था, तो तब ये 115 पे चला गया था। ओके, तो मुझे लगा कि अभी और बढ़ेगा तो मैंने वेट करा। ठीक, तो एनएचपीसी तो अभी भी मेरा प्रॉफिट में है, ठीक है, लेकिन सुजलॉन मेरा ऑल टाइम हाई पे लिया गया तो गलती हो गई सर। ऑल टाइम हाई नहीं है सुजलॉन का, सुजलॉन के ऑल टाइम हाई में आपको कहीं 400 रुपए के जोन्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। ये बहुत समय से और बहुत ज्यादा टूटा हुआ शेयर है ऊपर से, इसलिए आप 52 वीक हाई तो मान सकते हैं, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई कहीं ज्यादा ऊपर का है। सो आशीष जी क्या करें, सुजलॉन करीब 50 रुपए के दाम पे, इनके पास 10,000 शेयर है, सो फार 10 रुपए पर शेयर के आसपास का घाटा है, और दूसरे एनएचपीसी है इनके पास, वहां पे इन्हें प्रॉफिट है। रिन्यूएबल स्पेस की दोनों कंपनियां हैं, क्या करना चाहिए इनमें? जी सुमित जी, सुजलॉन तो अभी जैसे एएसएम कैटेगरी में, तो हमें लगता है कि जब तक एएसएम कैटेगरी से बाहर नहीं निकलता इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। ऑलरेडी इनके भाव से 20% नीचे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे इन्हें अब लॉस बुक करने के लिए सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस वाला पॉइंट था वो काफी ऊपर रह चुका है। बट अब जो इन्हें सिर्फ एसएल मेंटेन करना है वो 38 रुपए का एसएल मेंटेन करे, क्योंकि अगर उसके नीचे टूटता है तो फिर शायद ही अपना 200 MR को भी ब्रीच कर सकता है, जो कि 34-35-34 रुपए तक का जोन इस पर खुल जाएगा। तो 38 रुपए के नीचे जाता है तो एक स्टॉप लॉस बुक कर ले और बने रहे इस पोजीशन में। जो मेजर मोमेंटम देखने मिलेगा जब वो एएसएम कैटेगरी से बाहर निकलेगा, तभी इसमें एक अच्छा बड़ा मोमेंटम शायद वापस पिकअप कर सकता है। एनएचपीसी की अगर मैं बात करूं तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, और जिस हिसाब से पूरे पीएसयूज में, स्पेसिफिकली पावर रिलेटेड पीएसयूज में कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, मैं लग रहा है इसमें वापस इन्हें फ्रेश हाई देखने मिल सकते हैं। तो इस पोजीशन में बने रहे, 95 के करीब तक ऐसे मेंटेन करें। एनएचपीसी के जो टारगेट्स हमें देख रहे हैं वो 110 के टारगेट्स जल्द आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 110 के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और अंजिल जी, सुजलॉन का ऑल टाइम हाई 400 रुपए का है, मैं अभी क्रॉस चेक भी कर लिया, और 400 रुपए के ऑल टाइम हाई से शेयर टूटा है, सो अकॉर्डिंगली आप अपनी रणनीति बनाइएगा।